हाँ, मैं आप लोगों को बोल रहा था जैसे चावल साफ करने के बारे में। ये मेटलर्जी में केवल आप लोगों को एक चीज याद रखना है, तो रसोई घर का काम है। ये रसोई घर में आप लोग क्या करते हैं ज्यादातर, विशेषकर माँ और बहन लोग क्या करते हैं, चावल साफ करना, पानी धोना, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत साफ करना और खाना पकाना। वही प्रोसेस का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो मेटलर्जी मतलब क्या है, ज्यादातर मेटल को शुद्ध करने की तरीका, जो भी मेथड आप लोग अपनाते हैं वो साइंटिफिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मेथड आप लोग प्रयोग करते हुए अगर कुछ धातु को अन्य धातु से अलग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी उसके लिए मैं एक उदाहरण दिया था, चावल को साफ करना। मतलब चावल के साथ अगर आप लोग साफ करते समय देखते हैं, कभी कभी आप लोगों को क्या मिलता है, काला वाला चावल मिलती है। तो काला वाला चावल को आप लोग क्या करते हैं, हाथ से उठाते हैं। तो हाथ से उठाने का तरीका जो है उसके साइंटिफिक में हम लोग कह रहे हैं हैंड पिकिंग मेथड। हाथ से अगर साफ करते हैं तो उसको हम लोग कह रहे हैं हैंड पिकिंग मेथड, वो है पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, पानी में डाल के साफ करना, रगड़ कस के साफ करना, ठीक है, वो है वॉशिंग। मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग कह रहे हैं, हाइड्रा मतलब पानी, अक्वा मतलब पानी। तो पानी में डाल के पूरा साफ चावल को धोते हैं उसको हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। उसी में मैं कह रहा था, अगर चावल को पानी में डाल दिए उसमें थोड़ा सा भूसा है सोचिएगा, थोड़ा सा भूसा है सोचिएगा, वो भूसा कहाँ रहेगा, पानी के अंदर रहेगा या पानी के ऊपर रहेगा? आप लोगों को पता है पानी के ऊपर रहेगा, वो फ्लोट करेगा, उसी को हम लोग कह रहे हैं फ्रोथ फ्लोटिंग। तो फ्रोथ फ्लोटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वाला पानी को केवल हटाने से क्या हो जाएगा, जो हस्क वगैरह है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। वो हो गया आप लोगों का तीसरा। और चौथा क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब चुंबक के द्वारा खींचने का क्षमता है वो मेटल में, तो क्या किया जाएगा, चुंबक को नजदीक लिया जाएगा, जिसके चलते अगर कुछ धातु है उसमें जो चुंबक से खींचा हुआ रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, चुंबक को ले जाने के द्वारा उस धातु जो है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है वो क्या हो जाएगा, चुंबक के साथ आ जाएगा। जो अनवांटेड है, जिसके जिसका चुंबक चुंबक की खींचने लायक प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उस प्रकार अलग करने का तरीका, इस प्रकार चार तरीकों में से उसको अलग कर सकते हैं। ये है सेपरेशन ऑफ मेटल्स करके, ठीक है। तीन प्रकार से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं बोल रहे थे। वो पहला प्रोसेस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग चार पढ़े थे, वो है हैंड पिकिंग मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा क्या है फ्लोट फ्लोटेशन, तीसरा और चौथा क्या है हम लोग का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नेटिक के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो ये चार है। उसके बाद मेटल को ओर से अलग करना है। अभी मेटल जो है उसको ओर से अलग करना है। अलग करने के लिए तीन माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में हम लोग क्या कर रहे थे, हाई रिएक्टिविटी में केवल ऑक्साइड्स और हैलाइड्स जो है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, मतलब करंट में डालते हैं, उसको करंट में डालते हैं। तो क्या करेगा, हम लोग पढ़े हैं एक बॉन्ड जो बना हुआ है वो है पॉजिटिव और माइनस चार्ज के द्वारा बना हुआ होगा। तो बॉन्ड जो है, जब कभी करंट पास किया जाता है, ये जो बॉन्ड जो है वो अलग होगा, वो बॉन्ड अलग होगा, तो क्या हो जा रहा है, एक तो पॉजिटिव में रहेगा और एक तो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो जब कभी करंट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बैटरी में जैसे हम लोग देखते हैं, एक तो माइनस चार्ज कराता है, एक तो नेगेटिव चार्ज कराता है, ठीक है, प्लस चार्ज कराता है। तो प्लस चार्ज वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा, और उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज वाला जो है वो प्लस चार्ज को अपने पास खींचेगा। उस प्रकार खींचते समय क्या कर रहा है, दोनों चार्जों को, ऑक्साइड को, हैलाइड्स को अपने पास खींच ले रहा है, जिसके चलते मेटल केवल नीचे मिल जा रही है, वो मेटल को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का पहला प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। और दूसरा क्या है, मीडियम रिएक्शन। मीडियम रिएक्शन मतलब क्या है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, थोड़ा सा रिएक्शन करने लायक, थोड़ा सा रिएक्शन करने वाले हम लोग दो चीज पढ़े हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ाते समय मैं आप लोगों को बोला था, ये जो है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इनमें से आप लोगों को एक दो मार्क का क्वेश्चन आएगा। बोलो वो क्या है, कॉल्सिनेशन में आप लोगों को याद कर रहा है, कम हवा के माध्यम से अगर लोहा को या कुछ भी धातु को गर्म करके शुद्ध करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं गर्म करके हीट, गर्म करके या शुद्ध करते हैं
उसको हम लोग कहते हैं कॉल्सिनेशन, मतलब कम हवा में। उदाहरण के लिए मैं बता रहा था, लोहा को हम लोग गर्म करते हैं कहां पर रखे, कोयला के अंदर रखे ना, कोयला को पूरा जलाते हैं ना, कोयला पूरा जल के पूरा लाल लाल दिखा देता है, तो कोयला का क्या करते हैं एकदम आयरन वाला को लाके कोयला के अंदर डालते हैं, पूरा गर्म हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर मेल्ट नहीं हो रहा है, आयरन जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा, केवल गर्म होकर लाल रंग में बदला है, पिघलता नहीं है, पिघलने के पहले ही निकल गया। मतलब कॉल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं, मेटल बिफोर इट्स मेल्टिंग स्टेट, बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अलग करके हम लोग क्या करते हैं, मार मार के, हथौड़ा से मार मार के उसको क्या करते हैं, हम लोग जो भी रूप रंग देना चाहते हैं उस प्रकार देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, आयरन को शुद्ध करने के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, किससे शुद्ध करने के लिए, आयरन से, आयरन ऑक्साइड से शुद्ध करने के लिए, आयरन को आयरन ऑक्साइड से शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या मेथड को प्रयोग कर रहे हैं, कैल्सिनेशन का। ठीक है, और उसी चीज को रोस्टिंग, मतलब क्या हो गया, सल्फेट, जहां कहीं भी सल्फेट का प्रयोग हो रहा है, जहां कहीं भी सल्फेट का प्रयोग हो रहा है वहां पर केवल रोस्टिंग का प्रयोग करते हैं। कि रोस्टिंग मतलब क्या है ब्रदर, मकाई को आप लोग, मकाई को भूंज के खाते हैं ना आप लोग, मकाई वगैरह को रोस्ट करके आप लोग खाते हैं बरसात के मौसम में, क्या करते हैं आप लोग, पूरा कोयला चला देते हैं, उसके ऊपर एक दो जाली लगा देते हैं, आयरन वाला जाली वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग मकाई को पूरा एक डंडा में लगा के पूरा गर्म करते हुए बैठे रहते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं। उस प्रकार के तरीके आपको हम लोग कर रहे हैं रोस्टिंग, सिंपल सी वर्ड ना, रोस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरा हवा में एक्सेस एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ज्यादा हवा की माध्यम के द्वारा अगर मेटल को शुद्ध किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग, उसको हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। कॉल्सिनेशन का एक उदाहरण मैं बता रहा था, आयरन ऑक्साइड्स, आयरन ऑक्साइड्स। ठीक है, ज्यादातर कार्बोनेट्स कहां पर रहता है, कार्बोनेट्स कहां रहता है, वहां पर कॉल्सिनेशन होता है। जहां पर सल्फर रहता है, जहां पर सल्फाइड रहता है, वहां पर केवल रोस्टिंग होती है, वहां पर केवल रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग का एक उदाहरण है कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। ठीक है, वहां पर रोस्टिंग का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बोल रहा था तीसरा कौन सा प्रोसेस है, मीडियम और लो रिएक्टिविटी करके हम लोग पढ़ रहे थे। पहला था हाई रिएक्टिविटी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम के द्वारा बोल के ऑक्साइड्स और हैलाइड्स, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे मीडियम वाला में हम लोग पढ़ रहे थे विशेषकर सल्फेट्स और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे केवल लो रिएक्टिविटी। ये लो रिएक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, जो क्रिया में भाग नहीं लेता उसको अलग करने का तरीका आपको हम लोग कर रहे हैं इन लो रिएक्शन मतलब। और तीसरा मेथड क्या है, अभी मेटल को शुद्ध करना है, पहले मेटल को हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए, दूसरा हम लोग क्या किए, मेटल को ओर से अलग किए, अभी तीसरा हम लोग को क्या करना है, मेटल को शुद्ध करना है। ठीक है, अगर मेटल को मैं शुद्ध नहीं किया तो कोई खरीदेगा नहीं। जैसे आप लोग बाजार में लेके जाते हैं कुछ सब्जी दाल वगैरह सब ना, और उसके साथ दाल लेके गए सूची का, वो दाल में बहुत सारा पत्थर है, तो कोई करतेगा, कोई नहीं करते। जितना पैसा बोलते हैं उतना पैसा में आपको कोई तो करने वाला नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध करना केवल नहीं है, उसको प्रयोग करने लायक होना चाहिए, प्रयोग करने लायक होनी चाहिए। तो प्रयोग करने लायक बनाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, री मतलब दोबारा, री का अर्थ हो गया दोबारा, फाइन मतलब शुद्ध, तो रिफाइनिंग का अर्थ हो गया दोबारा शुद्ध करना, मतलब हैंड पिकिंग, इसके द्वारा उसके द्वारा आप लोग कुछ कुछ अलग करके तो शुद्ध तो किए हैं, लेकिन इसको दोबारा शुद्ध कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे एकदम प्रयोग करने लायक है, पूरे के पूरे एकदम प्रयोग करने लायक, उसको कह रहे हैं हम लोग रिफाइनिंग। ठीक है, ये रिफाइनिंग के द्वारा हम लोग क्या किए, अभी मेटल को अलग कर लिए, जो मेटल को अलग किए उसका अभी कुछ भी रूप या रंग हम लोग दे सकते हैं, रूप या रंग कुछ हम लोग दे सकते हैं। इसमें और एक तो मेथड भी है, इसमें और एक तो मेथड भी है, उस मेथड को हम लोग अभी ध्यान से देखते हैं। जैसे मैं कह रहा था आप लोगों को सेपरेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है बोल के, और हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में जैसे हम लोग पढ़े थे, उसी के आधार पर और कुछ भी मेथड है उसको भी हम लोग देखते हैं क्या है बोल के। ठीक है,
इसको हम लोग पढ़े थे फ्लोट फ्लोटेशन मेथड करके। मैं और एक उदाहरण यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फ्लोट फ्लोटेशन का मेथड ही है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल और ओर को पाउडर बना के, मेटल और ओर को पाउडर बना के मैं फिर डाल दे रहा हूँ, ठीक है, पाउडर बना के डाल दे रहा हूँ। उसके चलते वो क्या हो जा रहा है, हमको पूरा साफ करके बाहर निकल रहा है। देखिए यहाँ पर मेटल और ओर को हम लोग पूरा साफ करके डाल दिए हैं, जिसके चलते वो क्या कर रहा है हमको, एक मिनट, जिसके चलते मैं क्या कर रहा हूँ, जब इसको इसके द्वारा अंदर डाल दिया और पंखा के यहाँ पर देखिएगा तीन तो पंखा रखा हूं, जिसके चलते मैं पूरा घुमा घुमा के उसको पूरा नीचे की ओर पूरा फैला रहा हूँ। फैलाते समय क्या हो रहा है, जो ऑयल है और जो मेटल क्रिया में भाग नहीं लेता, वो क्या हो जा रहा है, ऊपर की ओर आ जा रहा है और जो गैंग्यू जो है, जो पानी से कुल मिल जाता है, वो नीचे रह जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पानी के साथ रह जा रहा है, ठीक है। उस प्रकार हम लोग अलग करने सक रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोट फ्लोटेशन करके। ठीक है, फ्लोट फ्लोटेशन का ये जो स्ट्रक्चर मैं दिया हूँ, सिंबल जो दिया हूँ, वो आप लोगों का किताब में भी मिलेगी, ठीक है। तो तीसरा मेथड जो है मैग्नेटिक सेपरेशन करके, मैं आप लोगों को शब्दों में बताया था, यहाँ पर एक तो चित्र के रूप में मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो भी धातु है उस पाउडर बना के डाल दे रहा हूँ। तो ये पाउडर बना के जिसको मैंने डाला था, वो क्या हो रहा है, देखिएगा बेल्ट के द्वारा क्रशर वगैरह आप लोग गए होंगे ना, स्टोन क्रशर वगैरह और कोयला वाला कदम गए होंगे, तो वहां पर ये बेल्ट वाला रहा। तो यहाँ पर भी एक मैग्नेट लगाया हूँ, यहाँ पर दूसरा मैग्नेट लगाया हूँ। जब बेल्ट यहाँ से घूमती हुई आता है और जिसमें हम लोग का पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, जिसके चलते यहाँ तक आने तक इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिसके चलते वो नजदीक दूर में गिरेगा, जिसका मैग्नेटिक फोर्स नहीं है वो बहुत थोड़ा दूर में जाके गिरेगा। इसके द्वारा भी इसको अलग कर सकते हैं बोल के मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लियर है। तो देखते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का, इसी का मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा था। देखिएगा जिंक सल्फाइड जहां कहीं भी लेते हैं हम लोग रोस्टिंग करते हैं, और कैल्सिनेशन जहां कहीं भी लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग CO3 कार्बोनेट को केवल ठीक है, कार्बोनेट को केवल कैल्सिनेशन करते हैं, इतना याद रखेंगे। ये बेयर प्रोसेस को मैं आप अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बार पूरे की पूरे आप लोगों को क्लैरिटी हो गया तो इसको पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैं अगले क्लास में इसको देखता हूँ। इसको देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। जैसे यहाँ पर मैं क्या क्या देखिएगा, ये सब एनोड है और कैथोड वगैरह डाले हैं, ठीक है, ग्राफाइट एनोड है ये। जैसे आप लोगों का बैटरी को खोलते हैं तो काला वाला मिलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफाइट एनोड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कैथोड को लगाए हैं। तो क्या कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को लिया, सोडियम अल्यूमिनियम फ्लोराइड को लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कभी भी ये करंट देता हूं तो ये अपने को दो भागों में बांट ले रहा है और Na+ और Al3- माइनस करके बदल रहा है, जिसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ, अल्यूमिनियम जो है नीचे यहाँ पर आके सेटल हो जा रहा है, ठीक है। मोल्टेड अल्यूमिनियम जो है, मतलब पिघला हुआ अल्यूमिनियम जो है, करंट के द्वारा जो अल्यूमिनियम पिघल गया है, वो अल्यूमिनियम आके हमको ये कोना में, इस जगह में मिल रहा है। इस मोल्टेड अल्यूमिनियम को मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला नॉब को मैं खोल के ये अल्यूमिनियम को केवल अलग कर सकता हूँ, और ऊपर से मैं क्या करते जाऊंगा, डालता हुआ जाएंगे, जिसके चलते मैं कंटिन्यूसली शुद्ध कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ब्लास्ट फर्नेस को मैं आप लोगों के सामने लगाया हूँ। बोकारो स्टील प्लांट आप लोग जानते होंगे कि नहीं, बोकारो स्टील प्लांट में क्या हो रहा है उसका एक विस्तार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वहां पर क्या कर रहा है, देखिएगा जो कोई भी आयरन का मेटेरियल मिलता है उसको पाउडर बना के यहाँ पर डाल दे रहे हैं ऊपर, जो माल मिलती है उसे हम लोग पाउडर बना के कोना में ऊपर में डाल दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर आते आते उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा,
टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जबकि भी नीचे की ओर आता जा रहा है तो क्या हो रहा है, आयरन जो है मेल्ट हो जा रहा है, पिघल जा रहा है, ज्यादा टेम्परेचर में क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जो मेल्ट होने वाला आयरन जो है नीचे की ओर आके बैठ जा रहा है, उसके ऊपर कौन वाला रहेगा, जो भी अनवांटेड है, स्लैग जो है। स्लैग मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। स्लैग क्या है, गैंग्यू को अलग करना बहुत डिफिकल्ट है, गैंग्यू को अलग करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए गैंग्यू के साथ क्या डालते हैं हम लोग, गैंग्यू के साथ हम लोग डालते हैं फ्लेक्स को, क्या डालते हैं, फ्लेक्स, FLUX, फ्लेक्स को डालते हैं। ये फ्लेक्स क्या है, जो गैंग्यू के साथ रिएक्शन करने वाला है, जो भी चीज गैंग्यू के साथ रिएक्शन करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्स, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्स क्या करेगा, गैंग्यू के साथ क्रिया में भाग लेगा, ये क्रिया में भाग लेने के चलते आने वाला प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्लैग, आने वाला प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्लैग। स्लैग मीन्स वेस्ट, स्लैग मीन्स वेस्ट। तो गैंगी को अलग करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन स्लैग को अलग करना बड़ी आसान है। गैंगी को अलग करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन स्लैग को अलग करना बहुत ही आसान है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, स्लैग बनाते हैं। वो स्लैग जो है क्या करता है, बहुत अलग आराम से अलग हो जा रहा है। देखिए सोलिड वेस्ट करके स्लैग को हम लोग इस तरफ अलग कर दे रहे हैं, जो आयरन मोल्ट जो यहाँ पर जमा हुआ है उसको हम लोग दूसरे रूप से अलग करें, उसको करें हम लोग पिग आयरन करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन मतलब क्या है, जो चुन्ना जो है ना उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो है सफेद रंग लगाते हैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब कभी हम लोग गर्म करते हैं तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम वजन वाला है, जिसके चलते वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो जब कभी हम लोग आयरन ओर को डालते हैं तो आयरन ओर क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना है, फेरस ऑक्साइड बना, फेरस ऑक्साइड बना। ये फेरस ऑक्साइड को फिर गर्म और ज्यादा गर्मी करने से क्या हो जा रहा है, फेरस ऑक्साइड इन स्मॉलर फॉर्म में बना रहा है, उसको हम लोग और गर्म करते हैं तो क्या हो जा रहा है, आयरन हम लोग को अलग से मिल रहा है, आयरन हम लोग को अलग से मिल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस मेथड। ब्लास्ट फर्नेस मेथड करके हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं, याद रखेंगे। ये आप लोगों का 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये ब्लास्ट फर्नेस, इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा बोल के आप लोगों को पूछा जाएगा। ये रिएक्शन वगैरह का आप लोगों को लिखने से आप लोगों को पूरे के पूरे 5 मार्क मिलेगी। यहां पर देखिएगा, मैं केवल हेमलाइट और बॉक्साइट का एक उदाहरण दिया हूं, क्यों इसको केवल मैं दे रहा हूं, पहले ही मैं बताया था एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर, इन चारों को आप लोग पढ़ेंगे तो 1 मार्क आप लोगों को मिलेगा जरूर बोला था। फिर भी मैं फिर एक बार आप लोगों को केवल बॉक्साइट और हेमाटाइट को केवल दिया, क्यों, ये दोनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, सबसे सबसे ज्यादा मिलने वाली धातुओं में से एल्युमिनियम एक तो है, एल्युमिनियम का स्थान है तीसरा स्थान, थर्ड पोजीशन है, सबसे ज्यादा मिलने वाला धातुओं में से एल्युमिनियम जो है तीसरा पोजीशन में है, एल्युमिनियम जो है तीसरा पोजीशन में है, और आयरन जो है हेमालाइट आयरन जो है दूसरा पोजीशन में है, आयरन जो है दूसरा पोजीशन में। इसलिए आप लोग देखेंगे ना, बिल्डिंग बनाने के लिए भी आयरन, आप लोगों को कर के ऊपर कीना लगाना है आयरन, बाइक कार कुछ भी बदलना है आयरन, सब चीज में आयरन आयरन आयरन, ज्यादा से ज्यादा हम लोग आयरन का प्रयोग करते हैं, क्यों, सबसे ज्यादा मिलने वाला है और सबसे फायदेमंद है, सबसे फायदेमंद है। इसलिए इन दोनों का और को आप लोग याद करेंगे, इसमें से आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और देखिएगा यहाँ पर और एक मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ अभी, आप लोगों का 5वां मेथड है प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग करके, प्रिंसिपल ऑफ लीचिंग। ये वर्ड लीचिंग का अर्थ क्या हो गया, कोई बता सकते हैं, लीचिंग केवल तब प्रयोग करते हैं जब जब जो मेटल हम लोगों को मिला है, जो मेटल हम लोगों को मिला है वो मेटल जो है सोल्यूबल है, कब, मेटल जब सोल्यूबल,
अगर मेटल सोल्यूबल रहा तब जाके हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, लीचिंग को प्रयोग करते हैं। मतलब जो भी हम लोग सॉल्वेंट लिए हैं, पानी जैसा कुछ भी सॉल्वेंट लिए हैं, उसमें ये मेटल क्या हो जाता है, पिघल जाएगा। मेटल जो है पिघल जाएगा और गैंग्यू जो है वेस्ट पार्टिकल जो है वो पिघलता नहीं है। मतलब कम टेम्परेचर में ही गर्म होके मेटल अलग होता है ना, उस परिस्थिति में केवल हम लोग लीचिंग को प्रयोग करते हैं, लीचिंग को प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्लोथ फ्लोटेशन में क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, जहां मेटल सोल्यूबल नहीं है उसको केवल आप लोग याद करेंगे। वही अंतर है लीचिंग और फ्लोथ फ्लोटेशन का, लीचिंग और फ्लोथ फ्लोटेशन का उतना ही अंतर है, उसको याद रखेंगे आप लोग। और देखिए, और एक बार मैं आप लोगों को विस्तार में बता रहा हूँ, और तो हम लोग कैसे किए बोल के, हाई रिएक्टिविटी करके, मीडियम रिएक्टिविटी करके, लो रिएक्टिविटी करके, है ना, सल्फेट और मतलब रोस्टिंग करना है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, रिफाइनिंग करना है, प्यूरिफिकेशन। यहाँ पर देखिए प्यूरिफिकेशन, यहाँ पर भी देखिए प्यूरिफिकेशन, हम लोग तीनों प्रोसेस में हम लोग प्यूरिफाई कर रहे हैं। मतलब मेटल को पूरे के पूरे प्रयोग करने लायक हम लोग को बनाना है, उस तरीके को हम लोग कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन। अभी मैं जो आप लोगों के सामने लाया हूँ उसको हम लोग कहते हैं रेवरबरेटरी फर्नेस करके, रेवरबरेटरी फर्नेस। ये फर्नेस में क्या होता है ब्रदर, जो मैं कह रहा था ना आप लोगों को, कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके, ये सब यहीं पर होती है। इसी मेथड में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वगैरह होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वगैरह होता है, और यहीं पर आप लोगों को रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड होती है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। आप लोगों को यहां से एक सवाल पूछा जाएगा, रिडक्शन करते समय कार्बन को कहीं कहीं यूज करते हैं, मतलब कोल, चारकोल को बोला जाता है कार्बन। फुल्ली बर्न्ड कोल इज कॉल्ड, फुल्ली बर्न्ड कोल इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। याद रखेंगे, फुल्ली बर्न्ड कोल इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल मतलब क्रिया में भाग लेने लायक है, एक्टिवेटेड चारकोल, फुल्ली बर्न्ड कोल। उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी हम लोग का रिडक्शन में भाग लेता है। रिडक्शन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेने का क्षमता जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हम लोग कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन में, आप लोगों को ये सवाल पूछाएगा, कहीं कहीं चारकोल को प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है, सीओ को प्रयोग किया जाता है, कारण क्या है आप लोगों को पूछा जाएगा। जहां कहीं भी गर्म करने का परिस्थिति होती है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज को प्रयोग करते हैं, कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, नहीं तो अदर एक्टिवेटेड मेटल को प्रयोग करते हैं। क्यों, अस रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्रिया को जल्दी करवाने वाला उसके जगह में इसको करते हैं। और कार्बन जो है, कार्बन को प्रयोग करने से क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन रहता है उसे हम कार्बन क्या करते हैं, अपने को खींचता है, जिसके चलते क्या बनता है हम लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको कार्बन क्या करता है, अपने को खींचता है, रिडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने को खींच ले रहा है, जिसके चलते रिडक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है हम लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो ज्यादातर हम लोग क्या चीज को प्रयोग करते हैं, कार्बन को प्रयोग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। यहीं पर आज का क्लास मैं आप लोगों को खत्म कर रहा हूँ। केवल मुझे आप लोगों को पढ़ाना है रिफाइनिंग के बारे में, रिफाइनिंग के बारे में, केवल शुद्ध करने के बारे में हम लोगों को पढ़ाना है, उससे आप लोगों का क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा। अगले लेसन में शायद हम लोग उसको खत्म कर पाएंगे, अगले लेसन में हम लोग उसको खत्म कर पाएंगे। इसलिए कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप लोग चैट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ डाउट है तो अभी हमसे पूछ के आप लोग अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं।